नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ कुशन, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बताना कैसा बना है। अभी मैं स्टिच कर ली हूँ और उसमें कॉटन डाल रही हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बना रही हूँ। मैं एक बनाई हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कुशन बनाई हूँ। अगर किसी को सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बता दूँगी, वीडियो डाल दूँगी, तो आप लोग देखिए कैसा बना है मेरा। इसको लड्डू कुशन बोलते हैं। इस तरफ से भी देखिए, दोनों साइड एक जैसा ही है। ये लड्डू कुशन पूरा देख सकते हैं, यही मैं अभी बना रही। ये देखिए, अभी इसका ये लड्डू बना रही, ये स्टिच हो गया है। बस इसमें कॉटन डालना है, तो मैं अभी कॉटन डाल रही हूँ। अगर पूरा किसी को सीखना हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, स्टिचिंग माप सब कुछ बताऊंगे। तो अभी देखो, मैं ये स्टिच करके रख ली हूँ और अब इसमें लड्डू बनाने के लिए कॉटन डाल रही हूँ। तीन चार लड्डू तो बन गए हैं और इसमें मेहनत थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ इसमें। ये कॉटन डालने में थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉटन डालना, कॉटन इसमें लड्डू में भर के उसके बाद तो फिर स्टिच किया जाता है। तो ये देखिए कॉटन कैसे डाल रही है, देख रहे हो? तो इसको फिर से ये दबा के और इसके जैसा ये हो जाएगा। ये देखिए आप लोग देख रहे हो, फिर ये इसको करके मैं कॉटन डालूँगी तो ये गोल शेप में आ जाएगा। तो चलिए, अब मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कुछ विशेष तो मैं नहीं दिखाई, बस कुशन दिखाई। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, बाय एंड टेक केयर।